नमस्कार, आ गया है यारों का यार होस्ट राहुल भोज बताने के लिए एक ऐसी बात जो कि सलमान साहब के फैंस के लिए सबसे बड़ी खबर है। ये बात तो हम सबको पता है कि सलमान साहब जो हैं वो काफी ज्यादा आजकल बिजी हैं। उनकी अगली फिल्म आ रही है। जी हाँ, करण जौहर के साथ उनकी जो फिल्म आ रही है उसको लेकर एक सबसे बड़ी अपडेट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों ने मेरे नए चैनल राहुल भोज कॉमेडी को नहीं देखा है। कमेंट सेक्शन में लिंक पेस्ट कर दिया है, एक बार जाइए जाके ढेर सारा प्यार बरसा डालिए। तो दोस्तों, हम सबको पता है ये बात कि सलमान साहब टाइगर 3 के बाद जो फिल्म में काम कर रहे हैं वो करण जौहर की फिल्म है, लेकिन उसके बारे में लोगों को ज्यादा डिटेल्स नहीं पता। मुझे टाइटल पता चल गया, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस बात की जानकारी सबसे पहले दे दूं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि टाइगर 3 बॉक्स ऑफिस पे ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है। अपने 10 दिन के अंदर अंदर फिल्म ने 400 करोड़ कमा लिए, वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड ऑल्सो मिला के, तो जहां पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों का ही कंबाइंड एफर्ट्स था। सलमान साहब आजकल जिस फिल्म में बिजी हैं उसका नाम है द बुल। जी हाँ दोस्तों, बुल बोले तो सांड। तो अब सलमान भाई जो हैं टाइगर बन गए, सलमान भाई जो हैं वो बजरंगी भाईजान बन गए, और अब बारी आती है सांड की यानी कि बुल की। अपने रीसेंट इंटरव्यू में, जी हाँ, कैटरीना कैफ के साथ वो बैठे हुए थे और उसी इंटरव्यू में उन्होंने इस बड़ी बात की जानकारी दे दी कि मेरी जो अगली फिल्म है उसका नाम द बुल है, जो कि करण जौहर की फिल्म है। ये काफी सालों बाद हुआ है ऐसा। साजन जी घर आए यानी कि कुछ कुछ होता है में छोटा सा रोल उन्होंने किया था, और अब एक फुल फ्लेज फिल्म के साथ आ रहे हैं। सलमान साहब ज्यादातर जो हैं करण जौहर की फिल्मों को अवॉइड करते थे, करण जौहर भी उन्हें ज्यादा काम नहीं देते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे कि सलमान भाई जो हैं वो करण जौहर को हाथ भर चुके हैं, क्योंकि शाहरुख खान के करियर को चमकाने वाले, शाहरुख साहब के करियर को चमकाने वाले करण जौहर थे। उनका एक बड़ा हाथ था, कुछ कुछ होता है ले लीजिए, या कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना, और सारी फिल्में, माय नेम इज खान, कैसे भूल सकते हैं हम। यहां पर ये एक बड़ा उन्होंने डिसीजन कहा है। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे इंटरव्यू में ये भी कहा कि दबुल तो आ रही है, इसके साथ साथ मेरी जो अगली फिल्म है वो ये भी है, जिसमें कि ये है दबंग 4 है। जी हाँ, दबंग 4। इसके साथ साथ प्रेम प्रेम की शादी उन्होंने बताई कि ये प्रेम की शादी भी है, किक 2 है। तो ये कुछ भाई की फिल्में हैं जो कि लाइनअप है, और हम इंतजार कर रहे हैं, लिटरली वेट कर रहे हैं कि कब ये फिल्म आएगी और बॉक्स ऑफिस में कब ये फिल्म छा जाएगी। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ द बुल्स के लिए स्पेशली। अब ये बुल में सलमान साहब क्या होंगे, क्या वो एक एक उनके पास ऐसी ताकतें होंगी या क्या, सारी चीजें, लेट्स सी। आपका क्या रिएक्शन है इस बारे में जरूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें आपका फेवरेट चैनल टैली खजाना। बाय बाय।